आज विकास बोर्ड की स्मृति में जो है रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया प्रथम पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में। तो आज विकास ओड के प्रथम पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है और देखें आप बढ़ चढ़कर युवाओं ने यहाँ पर भागीदारी निभाई है। किस प्रकार का आज आयोजन हो रहा है? 24 अक्टूबर 2023 में विकास बोर्ड जो राष्ट्रीय सेवा संगठन का मंडल अध्यक्ष था उसका पारिवारिक कारणों से देहांत हो गया था, उसके चलते आज युवा संगठन ने प्रथम पुण्यतिथि मनाते हुए रक्तदान शिविर का देखा था, क्योंकि उसमें लोगों की जिंदगी भी थोड़ी से बेहतर है। तो वही विकास बोर्ड के प्रथम पुण्यतिथि अवसर पर युवा संगठन और समाज के चित्तौड़ भीलवाड़ा उदयपुर से पधारे हुए युवा संगठन के सभी साथी ब्लड डोनेशन कर रहे हैं। अभी शुरू स्टार्ट ही किया है, अब कितना यूनिट होता है वो इसमें बताया जाएगा। तो देखिए आप युवा जो है बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं और लगातार जो है युवाओं की यहाँ पर भागीदारी हो रही है। विकास ओड एक नाम भीलवाड़ा के लिए बहुत प्रसिद्ध था, समाज के लिए बहुत प्रसिद्ध नाम था, लेकिन पारिवारिक कारणों के चलते जो है आज विकास हमारे बीच में नहीं रहे हैं, लेकिन उनकी याद हमेशा हमारे दिल में जिंदा है। और प्रथम पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में आज रक्तदान शिविर करके आज हमने उनको जिंदा किया है। क्या कहना चाहेंगे सत्यनारायण जी भाई साहब हमारे साथ में हैं? कितने साथी अभी तक पहुंचे रक्तदान में और कितने और आने वाले हैं? सभी ने मिलकर ये सपना करो और हम चाहते हैं कि इसी का नाम शुरू मिले और समाज में भी और आगे बढ़े, इसी को आधार और भी अन्य काम में हमारे भाइयों को सीख देके गए, उनका प्रेम था, इसलिए इतने भाई लोग आए उनके लिए भगवान के आशीर्वाद। तो देखिए आप विकास भाई एक ऐसे कर्म योद्धा थे, हर एक कार्य में हमेशा अपनी भूमिका निभाते थे और आज उन्हीं की स्मृति में आज है रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। तो आज रक्तदान शिविर में आदरणीय बड़े भाई साहब दुर्गेश जी हमारे साथ में मौजूद है और जिस प्रकार से विकास ने बहुत ही अच्छे पद पर भीलवाड़ा के अंदर एक नाम भी कमाया था और एक अच्छी पहचान रखने वाले भाई थे, लेकिन आज हमारे बीच में नहीं है, वो पारिवारिक कारणों के चलते उनका स्वर्गवास हुआ है, लेकिन आज हमने उनको दोबारा जिंदा किया है। आज उनके स्मृति में रक्तदान करके आज हमने क्या संदेश दिया? ये सभी भाइयों का बड़पन है जो आज उनके दिलों में जगह बनी, उन्होंने जो व्यवहार कमाया समाज के अंदर, उन्हीं की मेहनत का फल है आज। और इसीलिए हर वर्ष पे हम करेंगे ब्लड डोनेशन, जैसे भी होगा वैसे पाँच छोटा मोटा कार्यक्रम करते रहेंगे और उनके हाथ में श्रद्धा की समारोह। तो आज श्रद्धांजलि के स्वरूप में आज जो है रक्तदान शिविर करके
युवाओं ने एक जागृति का संदेश दिया है, उनके स्मृति में आज सच्ची श्रद्धा के फूल चढ़ाए हैं। अब देखें यहाँ तमाम साथी सभी रक्तदान करते हुए हैं। कुछ कहना चाहेंगे श्याम जी, कुछ मन में जी? आज हम लोग बता रहे हैं सब चित्तौड़गढ़ सामने चिकित्सालय चित्तौड़गढ़ में, जो कि पिछले वर्ष 2020 में पारिवारिक विवाद के कारण भाई विकास रोड का ज्ञान हो गया था, मर्डर हो गया था। उसके अध्यक्ष में सभी युवा संगठन और समाज के प्रथम बार रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इसमें ब्लड डोनेशन और गौशाला में गाय चारा देना, कंबल वितरण करना, कुछ कंबले भी लाए हैं और सर्टिफिकेट भी गए। सबने अपना सहयोग दिया है, क्योंकि इसका युवा था युवा जो था हमारा विकास जो राष्ट्रीय संगठन से जुड़ा हुआ था श्री पारिवारिक खेती सबका चाहता था। तो कहते हैं व्यक्ति अपने जीवन में सिर्फ अच्छाइयाँ छोड़ जाता है, और अच्छाई छोड़ने वाले हमारे विकास आगे आओ। जीवन की सबसे बड़ी पूंजी मित्रता, प्रेम, भाईचारा होती है। आज हमने जो संदेश दिया है रक्तदान करके जो संदेश हम देना चाहते हैं, आज वीरभूमि चित्तौड़गढ़ से हमने जो आगाज किया है, भले ही विकास भीलवाड़ा के रहने वाले हो, लेकिन रक्तदान हमने आज वीरभूमि चित्तौड़गढ़ में किया है। प्रभु साहब कैसा महसूस करते हैं कि आज भाई हमारे बीच में नहीं है, दुख तो है हमें, लेकिन इस आज रक्तदान से कई लोगों को जिंदगी मिलेगी, कई लोग इससे जिएंगे, किसी का सुहाग बचेगा तो किसी का पति बचेगा, किसी के माँ बचेगा तो किसी का बेटा बचेगा। आज रक्तदान शिविर करके हमने क्या संदेश देने की कोशिश की? अब समाज में ऐसी घटना न हो, अब किसी का खून न बहे, सब में प्रेम और मित्रता की भावना जागे, भाई भाई को पहचाने, बहन भाई को पहचाने, क्या संदेश देना चाहेंगे? इसी भावना से जो भी जागृति इंसान को मिलनी चाहिए कि एक आदमी के पीछे इतना आदमी ने ब्लड दिया, अगर वो सोचे यार दूसरे आदमी मौके भी एक आदमी के लिए खिलाफ खून दे रहे हैं तो अपना खून होगा, अपने खून की रक्षा क्यों नहीं करें, ये सोचने वाला इसके आदमी के पीछे अपन 20-30 लीटर भी डोनेट हो रहा है विकास भाई तो चलाए, और जो परिवार में जो चलते हैं लड़े दंगे वो फोन से क्यों नहीं मिले। अब झगड़े न हो, झगड़े तो अपन भगवान से चाहते हैं नहीं हो, पर जिनके होते हैं वो कहें इतना खूनी संघर्ष नहीं हो, मुख्य जिम्मानी ले लो, कानूनी कार्रवाई से ले लो, कैसे भी ले लो। हमारा समाज जान बचाने के लिए है, जान लेने के लिए लेने के लिए ऐसा किसी के साथ न हो। तो क्षत्रिय आपस में बैठ के समझौता करें, हर गांव में मिलते हैं मिलने वाले हम क्षत्रिय समाज के लोग हैं, आइए क्षत्रियता का पालन करें, शत्रु न बने, और हम अपने समाज में एक संदेश दें, अब न हो कोई मारगाट, अब न मचे कोई संघार, हो गया जो बीत गया उसे भूल जाए, और एक नई गिनती और नए सवेरे के साथ बढ़े, और विकास भाई के नाम से इस पूरी बिरादरी में योजना स्थापित करें कि अगर प्रेरणा लेनी तो विकास जी से प्रेरणा लें। हमेशा कोई झगड़े झगड़े हो जाए समाज में,
उससे किसी की जान जैसे निकल खानदान खत्म हो गया, उनका नामो निशान मिट गया, पिताजी का अस्तित्व मिट गया और उनकी माता उनके समय से माता भी रिजल्ट दी है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए समाज में, किसी के भी घर में भगवान में सूर्य के घर में ऐसा नहीं होना चाहिए। व्यक्ति अपने जीवन में सबसे बड़ी अमूल्य दौलत है प्रेम, प्रेम मित्रता, मित्रता ये हमेशा कायम रखे। कोई अगर वो लड़ता हो तो चार को बुझाए, आग में चार डालने का काम कोई ना करे। बहुत बहुत धन्यवाद, सभी सबक ले रहे समाज में और सभी जिन्हें हर जगह अपना हाथ आगे बढ़ाए, अष्टदान में भी और समाज सहायता में भी कोई बकरी से कहीं मिलाने जा रहे समाज के युवा और धन्यवाद। जय श्री राम, विकास भाई हमेशा अमर है, अजर है। तो भाई विकास जी की प्रथम पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में आज है श्रद्धांजलि स्वरूप रक्तदान शिविर आयोजित किया जा रहा है। सांवरिया हॉस्पिटल चित्तौड़गढ़ में यह रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। रक्तदान करने वाले सभी रक्तदाताओं का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार जिन्होंने मानवता का जो संदेश दिया है।